अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश वर्क। टुडे वी विल डिस्कस राइट द बिगनिंग साउंड ऑफ द गिवन पिक्चर्स। लुक एट दिस, राइट द बिगनिंग साउंड ऑफ द गिवन पिक्चर्स, आल्सो राइट द कैपिटल फॉर्म्स। कि हमने ये जो पिक्चर्स दिए हैं इनका फर्स्ट लेटर लिखना है, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों राइट करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या बना हुआ है? फ्लैग। फ्लैग किसे स्टार्ट होता है? एफ से। एफ आ फ्लैग। हम पहले इसका कैपिटल लिखते हैं, फिर हम इसका स्मॉल की इसका बेबी बनाते हैं, एफ आ। व्हाट इज दिस? काइट। काइट किसे स्टार्ट होता है? के से। व्हाट इज द साउंड ऑफ के? के का। तो हम यहाँ पर राइट करते हैं के, कैपिटल के, स्मॉल के, जी। व्हाट इज दिस? डॉग। डॉग किसे स्टार्ट हो रहा है? डी से। व्हाट इज द साउंड ऑफ डी? डी ड। डी ड डॉग, कैपिटल डी, स्मॉल डी, जी। व्हाट इज दिस? आउल। आउल किसे स्टार्ट होता है? ओ से। ओ ओ आउल। ओ का साउंड क्या होता है? ओ ओ, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ, जी। ये क्या बना हुआ है? नेस्ट। व्हाट इज दिस? नेस्ट। नेस्ट किससे स्टार्ट हो रहा है? एन से। एन ना नेस्ट, कैपिटल एन, स्मॉल एन, जी। लास्ट पिक्चर है, ये क्या बना हुआ है? बॉल। बी बा बॉल। हम पहले कैपिटल बी राइट करेंगे, फिर हम स्मॉल बी राइट करेंगे। इज इट क्लियर? अब हम जनरल्स के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसके क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द फर्स्ट होम ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ? होली काबा। विच इज़ द फर्स्ट होम ऑफ अल्लाह ऑन अर्थ? होली काबा। जी, कन्वर्सेशन क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये भी हम स्टार्ट से कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर नेम? माई नेम इज़ जो आपका नाम है वो आप कॉल करेंगे। व्हाट इज़ योर नेम? माई नेम इज़ जो भी आपका नेम है वो आप कॉल करेंगे। कन्वर्सेशन सेंटेंसेस हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, हाउ विल यू आस्क अबाउट समवन इज़ हेल्थ? हाउ आर यू। अगेन यही याद करना है, हाउ विल यू आस्क अबाउट समवन इज़ हेल्थ? हाउ आर यू। इज इट क्लियर? अब हम रीडिंग बुक की तरफ चलते हैं। जी, आज हमने क्या स्टार्ट करना है? एन। आज हमने क्या स्टार्ट करना है? एन। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ एन? एन ना। एन ना नेट, एन ना न्यूज़पेपर, एन ना नेल। एन ना नेट, एन ना न्यूज़पेपर, एन ना नेल। इज़ इट क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। नाउ यू आर स्टार्ट योर वर्क।